दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नागेंद्र कुमार वर्मा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल जनरल डिस्वीडी के में। आज हम कुछ स्टैंड फैन के स्टेटर का जो फर्मा होता है वो बनाने वाले हैं, जो बहुत ही आसानी से कॉइल को वाइंड कर देता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती कॉइल में डालने में। देखिए, ये उषा का स्टेटर है, इसका हम फर्मा ये बनाए हुए हैं। इसमें का एक मैंने पहले मोटर रिवाइंड किया था स्टेटर, तो उसका वीडियो अपलोड किया था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कमेंट किया है कि मुझे इसका फर्मा बनाना है, फर्मे का एक अलग से आप वीडियो बना दीजिए। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का स्टेटर नहीं आता जिसमें हमें सोच में पड़ना पड़ता है, आपको मैं बाकी और भी स्टेटर्स दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मेरा अकाउंट है YouTube का, इसमें बहुत सारे तरीके के वीडियो मिलेंगे। मेरा आप जब चैनल का नेम डालेंगे या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने ये वीडियो प्ले किया है मेरा, तो वीडियो प्ले होने के बाद इस तरह से आपका इंटरफेस आता है। तो मेरे चैनल पे यहाँ पे देखिए ऑल जनरल टिप्स भाई जहाँ लिखा है DK, वहाँ पे बीच में आपको टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे मेरे चैनल पे आ जाएंगे, उसके बाद से ऊपर आपको दिख रहा होगा होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक्सपेरिमेंटल, हार्डवेयर फिटिंग एंड रिपेयर, इसमें गैस चूल्हा, उसके बाद से आप अंदर देख लीजिए गैस चूल्हा, RO का, फिर मोटर, गीजर और हैंड पंप से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक में आपको छोटे छोटे जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे आपका ये वायरलेस रिमोट टेस्टर हो गया, इसमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की इमरजेंसी लाइट है और चार्जिंग भी है, ये DTH है, इसमें सिग्नल सेटिंग और म्यूजिक का सिस्टम है, DTH भी चला सकते हैं आप इसमें। इसमें भी ये तीसरे नंबर पे आपको जो दिख रहा है, इसमें बहुत ही मतलब समझिए 3-4 प्रकार की सप्लाई बनी हुई है इसमें, ये अलग तरह की लाइट है। उसके बाद से आपको ये होम थिएटर दिख रहा होगा। तो मतलब हर तरह का वीडियो मैं डालता रहता हूँ इसमें। देखिए इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग हो गया, उसके इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गया, जो घर की वायरिंग होती है, वॉशिंग मशीन से भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप यहाँ पे आके मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए या फिर मेरी बातें आपको अगर अच्छी लग रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ या फिर मेरा कंटेंट कैसा है। कंटेंट का मतलब मेरा वीडियो अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इतना ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, कुछ देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको इसमें 3-4 तरह के स्टेटर दिख रहे होंगे अलग अलग, ये मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि जब आप फर्मा बनाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, इसमें पहले पे जो स्टेटर है ये ब्लैक वाला, ये वाला स्टेटर मैंने अभी दिखाया है शुरू में, वही स्टेटर मुझे रिवाइंड करना है। तो उसका हमने फर्मा बनाया हुआ है, 1-4 में इसका स्लॉट है जो पेपर डल क्वाइल डलेगा, ठीक है, इस पर क्वाइल डलेगा वो 1-4 है स्लॉट, उसी के हिसाब से हमने उसका फर्मा बनाया हुआ है। फिर ये दूसरे नंबर पे रोटर के साथ स्टेटर दिखा रहा है ये वाला, तो इसका साइज अलग होगा स्टेटर का। फिर ये तीसरे नंबर पे जो ये तीसरे नंबर पे दिखा रहा है, ये पहले नंबर के ही तरह है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सबसे नीचे जो दिखा रहा है, इसमें कॉइल मैंने रिवाइंड कर रखा है, इसमें आप देखेंगे तो ये सिन्नी फैन टाइप का स्टैंड फैन है, तो इसका भी कॉइल इसी तरह के फर्मे पर बनाया जाता है। तो इसका आपको कॉइल का साइज कैसे लेना है, फर्मा कैसे बनाना है, वो एक ही वीडियो में मैं समझा दूंगा। तो दुनिया का किसी भी तरह का आपका स्टेटर आपके सामने आएगा तो आप उस तरह का फर्मा अपने आप बना पाएंगे।
आपको हर स्टेटर के साथ अलग वीडियो नहीं चाहिए फार्मा बनाने के लिए। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग तरह का फार्मा बनाना है तो अलग अलग तरह का मुझे वीडियो बनाना पड़े। मैं एक ही वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे मैं ये फार्मा बना रहा हूँ, उसके हिसाब से आप आगे चल के फार्मा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे इस फर्मे का साइज मुझे कैसे पता चला कि मैंने होल कैसे बनाया है, आपको मैं सब कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए सुन लीजिए, हमारा ये साइज है जो हमारा फर्मा है, इसका यही साइज है। तो ये साइज मुझे कैसे मिला, मुझे मालूम है कि 1-4 जो है इसका पिच है, 1-4 में हमको इसका जो क्वाइल है डालना है, समझ लीजिए। तो मैंने 1-4 में ऐसा ही एक गोल वायर लपेट करके इसमें डाला। डालने के बाद मुझे ये पता चला, इसको जब मैंने सेट किया इसको, तो देखिए ना ही ये क्वाइल ज़्यादा बड़ा है ना ही ये क्वाइल ज़्यादा छोटा है। अगर बड़ा होता तो जो हमारा फैन का बॉडी होता है, ये फैन की बॉडी होती है, वो इस तरह इसके पीछे या इसके आगे हो सकता है ये टच करने लगे ये क्वाइल, तो भी जल जाएगा और बॉडी में करंट आने लगेगा। अगर ज़्यादा छोटा हो जाता है तो जिसमें ये रोटेटिंग पार्ट जो होता है रोटर हमारा, वो डालेंगे तो क्वाइल में घिसने लगता है। तो उसी हिसाब से मैंने इसको इसका साइज ले लिया। अब इसको साइज लेने के बाद मैंने इसको एकदम यहाँ से कट किया। अभी कट कर लेते हैं हम। देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, हो सकता है कि आपसे छोटा है या बड़ा कट जाए तो भी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप पहला क्वाइल रिवाइंड करेंगे तो उसमें आपको आपकी कमी नज़र में आ जाएगी, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको आगे दे दूंगा। अब इसको आप ऐसे सीधा कर दीजिए। सीधा करने के बाद इसका पूरा लेंथ आप स्केल पर या फिर इंची टेप से ले सकते हैं। चलिए हम स्केल का यूज कर सकते हैं, आपको इसमें साफ साफ दिख ही रहा होगा। ये हमारा 14 सेंटीमीटर के आसपास जा रहा है, इसकी जो लंबाई है ये 14 सेंटीमीटर के आसपास जा रही है, दिख रहा होगा आपको। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 इसके भी 4 पार्ट हो रहे हैं। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे आप, 3.5 सेंटीमीटर का इसका लेंथ आएगा, 1, 2, 3 और उसके वजह से 3.5 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 3.5 ये जो है इसका यहाँ पे आएगा एक में। चलिए इसको हम आप देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये 3.5 आ रहा है एक तरफ से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारी पलाई की साइज है ये भी है आपका 10 mm का, ठीक है। 10 mm से आप नीचे लेंगे तो आपका क्वाइल बहुत ज़्यादा लंबा होने लगेगा। लंबा होने का मतलब कि जैसे ये पतला रहेगा, अब क्वाइल इसमें लपेटेंगे तो उसकी जो हाइट है वो बहुत बड़ी होती जाएगी, मतलब ऊंची उठती जाएगी, और जितना चौड़ा रहेगा उतना मतलब कम जगह में फैल के और ये छोटा ही रहेगा। तो इसलिए आप 10 mm या 12 mm का प्लाई ले सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको इस प्लाई को यहाँ पे रख के, और आपको मैं इसको काट नहीं दिखाऊंगा, बस कैसे बनाना ये दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से इसको बना रखा है। अब इसमें हम क्या करना है कि 3.5 पे एक जैसे मार्किंग कर दीजिए, ये 3.5 पे इसका मार्किंग हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आप 3.5 का मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग होने के बाद दोनों लाइनों से इस स्केल को मिला के एक लाइन खींच दीजिए लंबा, समझ लीजिए ये लाइन खींच गए। अब हमारा जब 3.5 सेंटीमीटर का एक फर्मा हो रहा है, मान लीजिए चारों लाइन जो है हमारा बिल्कुल सेम है, तो आपको यहाँ पे 3.5 का, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर 3.5 का,
ऐसे निशान लगाना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया 3.5, 3.5 3.5 यानी कि हो जाएगा आपका 7। फिर 7 पे लगाना है, फिर 10.5 पे लगाना है। इसको जब इधर से सरकाते जाएंगे तो ये 3.5 का ही बनेगा, देख रहे हैं आप। उसके बाद से फिर से आपको 3.5 पे आगे चल के एक मार्किंग लगा लेना है ऐसे। अब इसमें हमारे 4 फर्मे आ गए हैं। चारों फर्मे का सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा करने के लिए आपको इधर में निशान लगाने होंगे 3.5-3 पे, ताकि एक्यूरेट आपका जो है वो आए फर्मा। ठीक, तो आपको अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे 4 फर्मे तैयार हो गए हैं। अब आप इसे ग्राइंडर की मदद से या हेक्सा के ब्लेड से मदद से या फिर वुडन सा के मदद से इसको कट कर लीजिए। इसको यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ कट करके निकाल लीजिए। उसके बाद से इसको अलग अलग कट कर लीजिए। इसको अलग अलग कट करने के बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको मैंने इस कोने से इस कोने को मिलाकर एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। फिर इस कोने से इस कोने को मिलाकर एक लाइन खींची हुई है, और ये दोनों लाइनें जहां आपस में कट रही हैं वहीं इसका हो गया सेंटर। इसी सेंटर में आपको होल मारना है। वो किस तरह का होल होना चाहिए? कॉयल वाइंडिंग मशीन जो इसका शाफ्ट होगा बोल्ट का, उसी के साइज का आपको होल मारना है, ताकि जब इसको आप इसमें डालेंगे तो कोई निकालने में या फिर अंदर डालने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और एक और बात, मैंने जो फर्मा बनाया है इसमें 2 ही फर्मा आ पा रहा है, क्योंकि इसका जो शाफ्ट है बोल्ट है वो छोटा है। तो अगर आपका शाफ्ट बड़ा है तो आप 4 बना सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल सिर्फ 2 ही बनाया है, क्योंकि मेरा ये शाफ्ट का जो साइज है वो छोटा है। अब इसमें आप बस नट टाइट करके कॉयल बना पाएंगे। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो 4 सेट एक ही बार बन जाते हैं। मेरी मजबूरी है कि 2 ही सेट बन पाते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए आपके ये 4 फर्मे कट गए, उसके बाद से मैंने जो शाफ्ट में लगाए थे ये प्रोटेक्शन बीच बीच में लेयर कॉयल के, उसको अब ये काटना है आपको। तो जो हमारा ये फर्मा है, देखिए जो हमारा ये फर्मा है उससे मैंने 1-1 सेंटीमीटर ऊपर रखा है, क्योंकि आपके 600-800 टर्न भी डालेंगे ना तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको बस 1-1.5 सेंटीमीटर ओवर लेना है इससे, यानी कि हमने अगर इस छोटे फर्मे को 3.5 लिया है, 3.5 लिया है, 3.5 लिया है सेंटीमीटर में, तो 4.5 या फिर 5 ले लीजिए। आपका एक तरफ का ये 5 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 6 ले लीजिए, चलिए ये यहाँ से यहाँ तक की साइज 6 है। तो आपको क्या करना है, फिर से मान लीजिए इसको तो आपने काट लिया, अब आप समझ लीजिए कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर से आप समझ लीजिए, यहीं पे मैंने 6 सेंटीमीटर पर इसका निशान लगा दिया और आगे चल के भी 6 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिया। अब स्केल रख के दोनों का आमने सामने
ऐसे खांच लिया इसमें। अब आपको यही निशान 6-6 सेंटीमीटर पर लगाना है। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर पर लग गया, फिर ये भी 6 सेंटीमीटर पर लग गया, फिर ये भी 6 सेंटीमीटर पर लग गया। मान लीजिए मुझे 3 बनाना है, 4 भी बनाना हो तो उससे आगे 6 सेंटीमीटर पर आप निशान लगाते जाइए। उसके बाद से यहाँ पर भी आपको 6 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है, ताकि हमारा जो फर्मा है वो टेढ़ा ना हो। इससे क्या होगा, जब ये दोनों लाइनें मिलाकर आप लाइन खींचेंगे तो जो हमारा ये फर्मा बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा। अब मान लीजिए जब इसको आप काटेंगे, देखिए ये ही रहा और ये रहा, जब आप इसको काटेंगे तो देखिए बिल्कुल इसी साइज का ये बाहर निकलेगा। तो वही काम इसको भी करना है। होल मारने के लिए स्केल रख के आप यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचिए, फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचिए। जो ये दोनों लाइनें, जो दोनों रेखाएँ आपस में कटेंगी तो यहाँ पर एक निशान बनेगा, मतलब दोनों जब कटेगा तो इस तरह का निशान बनेगा। देखिए यहाँ उसी जगह पर आपको होल मारना है बिल्कुल सेंटर। तो जब आप इसमें फर्मा लगाएंगे ऐसे, देखिए ये इस तरह से, तो आपको जो ये होल मिलेंगे, होल बिल्कुल आमने सामने मिलेंगे। देखिए दिख रहा है ना, होल दिख रहा है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान देना पड़ता है फर्मों पर। तो मैंने शुरू में जो साइज निकालने का आइडिया दिया था आपको वायर को, मान लीजिए कोई भी फर्म स्टेटर हो, स्टेटर में आप इस वायर को डाल के आप कॉयल का लंबाई पहले ले लीजिए, उसको सीधा काटिए, उसके बाद से उसको स्केल से मापिए, फिर इसको 4 भाग में बांट दीजिए, क्योंकि आपको गोल बनाना है ना कॉयल जो है उसको गोल में बनाना है। इसको लंबा काटिए, फिर उसको मापिए, 4 भाग में बांटिए, जितनी लंबाई आ रही है उतनी लंबाई आपको यहाँ से यहाँ लेकर, उसके बाद से जितना फर्मा बनाना है उतना निशान लगा के, उसके बाद से लंबा काट लीजिए, उसके बाद से इस साइज को ले लीजिए, इस साइज को लेकर काट के निकाल लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।